हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एफजे किचन में आप सभी लोगों को खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है कढ़ी पकौड़ों वाली, जिसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हम आपको बताते हैं। यहाँ हमने कुछ कढ़ी पत्ते लिए हैं, साथ ही हमने एक छोटा सा प्याज कटिंग कर लिया है। यहाँ हमने हाफ टी स्पून साबुत जीरा लिया है और एक हमने यहाँ बैटर सा रेडी कर लिया है, जिसके अंदर हमने दही, बेसन, लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ग्राइंडर में पीस ली हैं। इसको हमने एक मिक्सचर की शक्ल में बना लिया है। चलिए शुरू करते हैं। फ्लेम को ऑन करने के बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। फ़िलहाल हमें 2 टेबल स्पून ऑयल ही चाहिए। ऑयल के गरम होने के बाद हम इसके अंदर कड़ी पत्ता, प्याज और जीरा शामिल कर देंगे। अच्छा जी, तमाम चीज़ों को ऑयल में हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर अपना बैटर शामिल कर देंगे और बैटर शामिल करने के बाद पानी भरकर कड़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जितनी आपकी ज़रूरत है आप उसके अंदर उतना पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है, आपका बैटर पतला है, तो पानी ऐड नहीं करिए। कढ़ी को कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में उसमें हम चमचा चलाते रहेंगे। हमने सारा बैटर डाल दिया है और अब हम इसको 2 से 2.5 घंटे पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही में इसके अंदर हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अब हम अपनी कढ़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे। अच्छा जी, कढ़ी हमारी पक रही है। वफ़े वफ़े के साथ हम उसके अंदर चम्मच को चलाते जा रहे हैं। यहाँ हम अपने पकौड़ों का बैटर बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हम आपको बताते हैं। यहाँ हमने 1 कप बेसन का आटा लिया है, साथ ही हमने 2 अदद प्याज काट ली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें। यहाँ हमारे पास है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत। यहाँ पे ज़रा सा हमने लिया है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है। साथ ही हमने लिया है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। अब हम इसके अंदर ये तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते हुए एक फाइन सा बैटर बना लेंगे। चलिए हम आपको बैटर रेडी करके दिखाते हैं। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने अपना एक फाइन सा बैटर तैयार कर लिया है, जो हमें इसी फॉर्म में चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतला और ना इससे ज़्यादा गाढ़ा। यहाँ हमारी कढ़ी भी अच्छे से पक रही है, साथ ही साथ हम इसके अंदर चमचे को चलाते जा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आ रही है हमारी कढ़ी की। चलिए जी, काफ़ी देर हो चुकी है हमारी कढ़ी को पकते हुए। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे और अपने पकौड़ों को फ्राई करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पकौड़े अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। इसको अलट पलट के हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए, तमाम पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। हम अब इसको कढ़ी के अंदर ऐड करके आपको दिखाते हैं। यहाँ तमाम पकौड़े हमने अपनी पकती हुई उबलती हुई कढ़ी के अंदर शामिल कर दिए हैं। कढ़ी हमारी पक पक के गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब हम लगाएंगे कढ़ी के ऊपर बघार। कढ़ी का शानदार सा बघार लगाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें चाहिए। हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद, उसको हमने बीच में से कटिंग कर लिया है। लाल साबुत मिर्चें हैं, कुछ कढ़ी पत्ते, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। मेरी तरह थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करिएगा, घर में इसको ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जैसे चाहे कढ़ी को एंजॉय करिएगा, चाहे तो रोटी से, चाहे तो चावल से। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।